सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को एक मैं बहुत बड़ी अपडेट जो है जानकारी देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में अब आरक्षण जो है 81% जो है आरक्षण जब होने की अब संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी EWS वर्ण को जो है 10% आरक्षण देने के बाद जो है कहा गया है और 10% आरक्षण जो है लागू होगा। तो पहले से ही छत्तीसगढ़ में 72% आरक्षण है और 10% और बढ़ जाएगा, यानी टोटल जो है आपका 82% आरक्षण जो है होने वाला है। तो झारखंड में विधानसभा में पास हुआ है 77% आरक्षण और बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार दे दिया है, जिसके वजह से ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो 32% आरक्षण का लाभ मिलता था अब वो आरक्षण घटकर 20% तक हो गया है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी झारखंड की तरह जो है विधानसभा में पास जब हुआ है 77% आरक्षण, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी संभव है? क्या झारखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण जो है बढ़ेगा और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके होने वाले नुकसान क्या हैं? तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा। ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 32%, SC को 12% और BC को 27%, EWS को 10% का आरक्षण। तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ अपडेट्स है, जब तक आप लोगों को नोटिफिकेशन अच्छे से पता नहीं होगा तब तक आप लोगों को कंप्लीट जानकारी नहीं हो पाएगा। और आप ऐसे हर एक स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत सारा भी मन में डाउट चल रहा होगा, तो वो सभी डाउट जो है क्लियर होने वाले हैं आपके आगे की वीडियोस में, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 1932 में खतिहान आधारित स्थानीय नीति को भी मंजूरी दे दिया गया है और इसे मंजूरी जो है कानूनी दर्जा भी जो है प्राप्त हो चुका है। तो झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जो है 77% आरक्षण को दिया है झारखंड में मंजूरी। तो इसी के तर्ज पर आपके जो है छत्तीसगढ़ में भी आपका आरक्षण का दायरा जो है बढ़ सकता है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड विधानसभा में जो है शुक्रवार को राज्य में OBC SC ST का आरक्षण बढ़ाने का जो है विधेयक पास हो गया। इसमें जो है OBC आरक्षण जो है 14% से बढ़ाकर जो है 27% करने का प्रावधान है। SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है 28%, ST को जो है 12% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को जो है 10% आरक्षण का लाभ जो है मिलेगा। नए प्रावधान के बाद अब राज्य में कुल आरक्षण का दायरा जो पहले 66% था वो आरक्षण अब बढ़कर जो है सीधा 77% तक जो है अब पहुंच गया है। बिल पास होने के बाद CM हेमंत सोरेन ने कहा, आज झारखंड के वीर शहीदों और आंदोलनकारियों का सपना जो है साकार हो गया है, क्योंकि 66% आरक्षण के बाद जो है सीधा 77% अब आरक्षण का लाभ उनको जो है मिलने वाला है। इसके साथ ही विधानसभा में 1932 के खतिहान के आधार पर स्थानीय नीति को जो है कानूनी दर्जा देने का विधेयक भी पास हो गया। इसके मुताबिक वही झारखंड के मूल निवासी होंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम जो है 1932 या उससे पहले के खतिहान में आपका जो है मिशन में जो है दर्ज होगा। दोनों विधेयकों को जो है संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को जो है भेजा गया है। विधेयक में कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद यह राज्य में जो है प्रभावी रहेगा। राज्य में अब स्थानीय नीति के साथ नियोजन को भी जोड़ दिया गया है, यानी अब 3rd-4th ग्रेड की नौकरी सिर्फ स्थानीय लोगों को ही मिल सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति को सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही नहीं अन्य रोजगारों से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों को 32% आरक्षण के लिए जो है 2 दिन का जो है विशेष सत्र जो है आयोजन किया गया है। विशेष सत्र का आयोजन 1 और 2 दिसंबर को किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 32% आरक्षण देने सरकार ने 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलवा लिया है। बताया गया है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण को लेकर सामने आए हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से जो है इसी विशेष सत्र में जो है आरक्षण जो है 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिससे क्या होगा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जो है 32% का आरक्षण का लाभ जो है मिलने वाला है। तो आपको बोलना चाहता हूँ कि साथ ही आपके जो है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी आरक्षण की जो है विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल शीघ्र ही वहां जाएगा। सरकार की ओर से कहा गया है कि
आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं उसका पालन सरकार कर रही है। संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकार उन्हें जो है प्राप्त होंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो है एसटी आदिवासी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को जो है परेशान होने की, घबराने की, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा उनके 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाएगा, और जब तक भूपेश बघेल सरकार है तब तक जो है हर संभव प्रयास सभी वर्ग के लिए किया जाएगा, और उनके द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया जाता है जिससे छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को जो जॉब मिल सके, रोज़गार मिल सके और उनके सभी सपने जो है साकार हो सके, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा काम जो है किया जा रहा है। बाकी के द्वारा उतने काम नहीं किया जाता जितने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे काम फैसले लिए जाते हैं। तो आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके आने वाले समय में जो है आपके छत्तीसगढ़ में बहुत सी ज़्यादा अपकमिंग वैकेंसीज आप लोगों के लिए जो है आने वाला है। तो आप लोग जो है अपकमिंग वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपके जो है हॉस्टल वार्डन की बात करें, छात्रावास अधीक्षक के जो है 400 पदों पर जो है भर्ती होने वाला है। इसके साथ ही आपके जो है आमीन पटवारी के जो है 288 पदों पर जो सिंचाई विभाग में आता है। इसके साथ CGPST में जो है 190 से भी अधिक पदों पर भर्ती होने वाला है। साथ ही RI राजस्व निरीक्षक रिवेन्यू इंस्पेक्टर के, इसके साथ ही आप लोगों के लिए फूड इंस्पेक्टर के भी नई अपकमिंग वैकेंसीज आने वाला है। इसके साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपकमिंग वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी स्टूडेंट के लिए, और ये वैकेंसीज आपके जो है ADO के जो है 250 पदों पर जो है 250 पदों पर आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकल के आया, जिसमें आप लोग आसानी से आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। और देखिए कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की जब आप लोग तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो अपने आप पर जो है भरोसा रखें। अपने आप पर भरोसा रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। यदि खुद पर भरोसा रहेगा तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता, कोई भी चीज़ जो है इम्पॉसिबल होता ही नहीं है, बस मेहनत कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। जिस तरह से झारखंड में 77% आरक्षण को मंजूरी दिया है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी प्रावधान किया जाएगा। तो आने वाले समय में ये सभी अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी के कमेंट का मैं जो है रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपके सभी सपने पूरे होंगे।